बैंक हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, जो कि एक आम आदमी और एक बिजनेसमैन काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। आफ्टर आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है हमारे भारत में, वो है बैंक में। क्योंकि दोस्तों बैंक जो है वह ग्रामीण और शहरी दोनों में क्षेत्रों में काफ़ी ग्रो किया है, और यह काफ़ी एम्प्लॉयमेंट रेट भी आपको बैंकिंग सेक्टर में इंक्रीज हुआ है। इसलिए दोस्तों सभी अपना फ्यूचर जो है वह बैंक में देखना चाहते हैं, क्योंकि बैंक के अलावा यदि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप भी जानते होंगे कि उनका नोटिफिकेशन जो है साल में एक बार या दो बार या दो तीन साल के गैप में ही आता है। लेकिन बैंक एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जिसमें आपको हर साल नहीं कम से कम 3 से 4 नोटिफिकेशन हर साल आता है। IBPS, SBI, RBI जैसे बहुत सारे आपको नोटिफिकेशन हर साल अपकमिंग बैंक के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यानी इसका मतलब सीधा सीधी है मोर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यानी मोर अपॉर्चुनिटीज टू गेट सक्सेस। इस वीडियो में हम आपको SBI PO, IBPS PO, IBPS PO, क्लर्क पैटर्न, सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आप सभी को जानकारी दे दें कि यदि आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आपके लिए दोस्तों यह चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको बैंकिंग रिलेटेड सभी अपडेट एकदम टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलते रहेगी, और आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलते रहेगा, और आपको GA कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का आपको टिप्स और ट्रिक भी मिलते रहेगा इस चैनल पे। तो मेक श्योर कर ले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको यह चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम जो है वह बहुत ही एक प्रोफेशनल और मैनेजरियल वर्क है। इसमें 5 आपको डेज काम करना पड़ता है, 10 to 5 PM आपका वर्किंग आवर रहता है दोस्तों। और इसमें काफ़ी अच्छे गुड पैकेज भी रहते हैं, और काफ़ी आपको गवर्नमेंट जो है फैसिलिटी भी देती है। आप अगर अपने घर के बगल के बैंक में जाते होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे बहुत सारे जो होते हैं पहले से ही बैंक एग्ज़ाम क्रैक करके बैठे हुए होते हैं। यदि आप भी 12th अभी किए हैं और सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाउ टू प्रिपेयर, सभी का हम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कई सारे हम पेरेंट्स मतलब और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जो हम बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कौन सा इंस्टीट्यूट जो होगा वह बेहतर होगा, और कहां हमें जाना चाहिए पढ़ने के लिए। दोस्तों अगर आपने भी मजबूत इरादा बना ही लिया है बैंक एग्ज़ाम तैयार करने का, तो आप भी अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही बैंक की तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के ही आराम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है आजकल खुद का ऐप अपना लॉन्च कर दिए हैं, जिसपे वो खुद से ही पढ़ाते हैं, और आपको डाउट क्लियर सेशन भी रखते हैं, और आपको बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी बिल्ड होता है। और एवरी संडे मॉक्स टेस्ट भी लेते हैं ऑनलाइन, क्योंकि दोस्तों बैंक एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है, जिसके कारण दोस्तों इस जॉब के लिए काफ़ी सारे कंपटीशन आपको फेस करना पड़ता है, जिसके लिए आपको दोस्तों अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है तो आपको 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन होता है उसमें आपको 3 ईयर लगातार आपको इस बैंक के लिए मेहनत करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि SBI में आपको 8,000 से लेकर 10,000 से हर साल पोस्ट निकलता है PO और क्लर्क के लिए। इसलिए आप दोस्तों अगर कंटिन्यूस मेहनत करेंगे तो आप पहले अटैम्प्ट में आराम से निकाल लेंगे बैंक का एग्ज़ाम। हमारे इंडिया में बैंक PO और क्लर्क की एग्ज़ाम जो होती है वह आपको IBPS और SBI दोनों ही कराती है, जिसके लिए आपको RBI ग्रेड भी जो होता है वो भी अपना RBI अपना ग्रेड भी का एग्ज़ाम करवाता है। इस सेशन में हम आपको बैंक PO और क्लर्क के एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात होती है एलिजिबिलिटी की, बैंक क्लर्क का जो एलिजिबिलिटी होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है आपको एज क्राइटेरिया। IBPS के नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको मिनिमम ईयर 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम ईयर 28 साल होना चाहिए। फिर आपको आता है रिलैक्सेशन अपर एज, मतलब अपना अलग अलग कास्ट से है तो उसमें आपको अलग अलग छूट मिलता है। SC के लिए 5 साल हो जाता है, OBC के लिए आपको 3 साल हो जाता है। और उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन, जैसा कि हमने बताया आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसलिए हमने बताया कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह तो पहले हमने बता ही दिया आपको ग्रेजुएशन, और दूसरा जो आपको होता है वह होता है कंप्यूटर लिटरेसी। क्योंकि दोस्तों यह एग्ज़ाम जो होता है वह ऑनलाइन होता है, इसलिए आपको कंप्यूटर की लिटरेसी होना ज़रूरी है। डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन होना जाना चाहिए, आप किसी भी आपको कंप्यूटर के साथ एक डिग्री होना ज़रूरी है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर जो हम बात करें तो एग्ज़ाम में दोस्तों बिहार इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर बहुत है। बात करें सिलेक्शन प्रोसीड्योर की, IBPS और SBI क्लर्क में दोस्तों पहले आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा। अगर क्लर्क दे रहे हैं तो इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन अगर PO आप देंगे तो इंटरव्यू होगा। और कट ऑफ जो हम बात करें, मार्क्स ऑफ ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम ओनली विल बी कंसीडर फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट।
IBPS और SBI का कलर का जो सिलेबस होता है वह दोस्तों एकदम सेम ही होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन का लेवल और एग्ज़ाम जो है वह लगभग आपको सेम ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करें प्रिलिमिनरी के एग्ज़ाम की, तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है वो आपको एक घंटा का होता है, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है 30 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाता है 35 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाता है 35 नंबर का, जिसमें आपको 20-20 मिनट तीनों मिलता है, टोटल आपको 100 नंबर होता है और आपको 60 मिनट मिलता है। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कैंडिडेट हैव क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय स्क्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू डिसाइडेड बाय IBPS। IBPS जो आप कट ऑफ निकालेगा उससे आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको कट ऑफ क्वालिफाई कर लेना है या आपको सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। उसके बाद दोस्तों आपको मतलब यह है कि जैसे कि आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दिया और आप क्वालिफाई कर गए तो आपको कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। बात करें दोस्तों क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन दोस्तों MCQ टाइप्स का होगा, जिसमें आपको 5 ऑप्शन होंगे और 5 ऑप्शन में सिर्फ एक ही सही होता है। और बात करें दोस्तों अगर हम लॉन्ग आंसर की, तो लॉन्ग आंसर में दोस्तों आपको निगेटिव मार्क्स भी होता है। उसके बाद दोस्तों आपको अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किया है तो उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। बात करें आपको मेन एग्ज़ाम की, दोस्तों मेन एग्ज़ाम में आपको तभी आपको मिलेगा मौका जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे दिए होंगे, तो इसमें आपको सिलेबस जो होता है वो आपको जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का 35 मिनट बना रहता है, जनरल इंग्लिश आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट बना रहता है, रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 नंबर का क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट बनाना होता है, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड आपको 50 क्वेश्चन रहता है 50 मार्क्स का रहता है 45 मिनट में आता है, यानी टोटल क्वेश्चन आपको 190 क्वेश्चन रहता है, टोटल मार्क्स जो होगा वो आपको 200 नंबर का होगा और 160 मिनट में होगा। टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट की फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, दोस्तों क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सबसे पहले स्पीड और एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी। और बात करें मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम में दोस्तों आपको एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए आपका एकदम पूरा पूरी क्लियर होना चाहिए, तभी आप मेन एग्जाम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें दोस्तों IBPS PO एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी की, हमने कलर की बात कर ली, अब PO की बात करते हैं। तो PO में आपको SBI और IBPS के लिए मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम जो होगा 30 ईयर होना चाहिए, और अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग छूट मिल जाती है, जैसे कि SC और ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और अलग अलग पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल है, फिर एक्स सर्विस मैन डिजेबल एक्स सर्विस मैन के लिए उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में होना चाहिए आपको। आप SBI PO की तैयारी कर रहे हैं और आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जब तक अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब तक आपके हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री आ जानी चाहिए, तभी वह मायने होगी। फॉर IBPS PO के लिए आपको कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्क्स से डिग्री होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको PO में एकदम मस्ट है आपको कंप्यूटर लिटरेसी के अच्छे लेवल का होना चाहिए। उसके बाद बात करें आपको नंबर ऑफ चांसेस कितना बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जनरल और EWS के लिए 4 है, जनरल EWS PW के लिए 7 है, OBC के लिए 7 है, OBC PWD के लिए 7 है, SC ST के लिए नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब वह कितने बार भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें IBPS और PO के लिए नंबर ऑफ सीट्स के लिए, तो यू कैन टेक मैनी अटेम्प्ट्स, एवरी अटेम्प्ट आप ले सकते हैं IBPS PO के लिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस फॉर प्रोसीड्यूर फॉर IBPS एंड SBI PO, तो दोस्तों नो डिफरेंस इन सिलेबस ऑफ IBPS एंड SBI PO, SBI PO IBPS प्रीलिम्स में आप सिलेबस का अंतर नहीं होगा। सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। कलर में आपको इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ PO की जॉब है तो यहाँ आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से पहले दोस्तों आपको ग्रुप डिस्कशन भी होता है, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन होता है वह निर्भर करता है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो पहला आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा वह दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 नंबर का आएगा, रीजनिंग एबिलिटी 35 नंबर का आएगा, यानी टोटल जो क्वेश्चन होगा वह आपको हो जाएगा 35-35, 37-100 क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स जो होगा वह आपको 100 नंबर का होगा, और आपको इंग्लिश में 20 मिनट मिलेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 20 मिनट मिलेगा, रीजनिंग एबिलिटी में भी 20 मिनट मिलेगा, यानी टोटल आपको 1 घंटा मिलेगा। आपको 1 घंटा में सारा क्वेश्चन बनाना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर हो सके। फिर उसके बाद यदि आप फेज़ 1 कम्प्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद आपको फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा। फेज़ 2 के एग्ज़ाम में दोस्तों आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको 45 क्वेश्चन रहेगा, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 नंबर का आएगा, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज 35 नंबर का होगा। उसके बाद रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो होगा आपको 60 मार्क्स का होगा, और आपको टाइम जो होगा वह 60 मिनट होगा, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वह भी क्वेश्चन मार्क्स जो होगा वह 60 का होगा, लेकिन
टाइम जो होगा 45 मिनट होगा, स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो होगा आपका एग्ज़ाम वह डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा RBPS PO के लिए, जिसमें आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा उसका लेटर राइटिंग और ऐसे होगा, जिसमें आपको दो क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का होगा। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वह इंग्लिश होगा, इसके लिए आपको टाइम जो होगा वह 30 मिनट होगा। उसके बाद यदि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में पास हो गए तो यदि आप फिर आपको IBPS के लिए इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में दोस्तों आपको 100 नंबर का क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा, इसमें से कम 40% आपको लाना होगा, 35% जो होगा वह रिजर्व कैंडिडेट के लिए सेट रहता है। इंटरव्यू में आपको पर्सनालिटी टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको सभी पूछा जाएगा। और आपको SBI PO में दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता है वह 30 मिनट का होता है, जिसमें आपको दो क्वेश्चन बनाना होता है 50 मार्क्स का, उसमें भी आपको लेटर राइटिंग और ऐसे होता है। उसके बाद दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको जो होगा ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू होगा। ग्रुप डिस्कशन 20 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 30 नंबर का होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको यही मायने रखेगा। फाइनल सिलेक्शन में आपका जो 250 नंबर का मेन एग्जामिनेशन हुआ वह 75 नंबर में चेंज हो जाएगा, और इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन जो हुआ वह 25 नंबर में चेंज हो जाएगा, यानी टोटल 100 नंबर का होगा। इसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों हमने कोशिश किया कि आपकी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने इस वीडियो में दे दिया है। अगर हम फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या कन्फ्यूजन है, हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे। तो मेक श्योर कर ले चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।